आजा, चोरनी आ गई घर में, चोरनी चोरी करने आई है, यू जल्दी आजा, पुलिस बुला दो पुलिस। सबो क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों मुंह लटकाए बैठी है तू? हाँ? बहुत देर से देख रही हूँ तेरे को मैं। हाँ सही कह रही है तू, बहुत देर से मुंह लटका है वो सबो। ए, कुछ ना हुआ। कुछ ना हुआ है, कुछ ना हुआ, मुझे लगा बहुत कुछ है वो दिखा, यही मारे तू हमें बता ना रही। ऐ ऐसा कुछ ना हुआ जैसा तू सोच रही है, मैं उन दोनों के बारे में सोच रही हूँ, भज्जी और धनुआ के बारे में। उनके बारे में क्या सोच रही है? अरे मोको ऐसा लग रहा है उन दोनों की सेटिंग और कहीं पे भी चल रही है, हमते तो कर ही रही है, मुझे लगा और कहीं पे भी चक्कर चल रहा है उनको। अरे ऐसे ना है वो दोनों, ऐसे ना, तेरे को कोई गलत फहमी है गई है? हाँ गलत फहमी है गई तेरे को, वो ऐसे ना है, हम दोनों को छोड़ के और कहीं करेंगे ना वो। उनकी कोई पता ना कब मूड बदल जावे। सही कह रही है सब, तो बिल्कुल सही कह रही है, धनुआ की तो मैं कह ना सकूं, पर भज्जी, भज्जी तो बिल्कुल मो ऐसे लगे, हाँ मो तो ऐसे लगे वो हर कई लड़की पर डोरे डालता हूं। तेरे को तो बस भज्जी दिखता है, भज्जी दिखता है, और कोई भी नजर में आता है तेरे भज्जी के अलावा? क्या उसी से तेरे को एलर्जी है? मैं तो बता रही हूँ मो शक है, वापस शक है, मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ, चल ही रही होगी बाकी और कहीं थे, शक है मोकू, शक है मोकू ना, शक है मोकू। तुम दोनों की कभी बनी है? या बात बता मेरे को, तुम दोनों की कभी बनी है? क्लास में भी तुम लड़ते रहते हो हरदम, तो सगा ही होगा तेरे को वापस और क्या होगा? ए, लड़ो मत आपस में, लड़ो मत, तुम कहीं को आपस में लड़ रही हो? ए, हमको चेक करने में कहा जा रहा हो और कहीं पे चल रही हो या ना चल रही हो, बस चेक करे नहीं एक बार तो फिर पता चले जाएगी उनकी कहीं पे चल रही है या ना चल रही। हाँ सही कह रही है सब, तो बिल्कुल सही कह रही है, एक बार चेक करने में कहा जा रहा हो, एक बार चेक करे नहीं उनकी चल रही है ना चल रही है और कहीं पे, तो फिर पता चले जाएगी। कैसी कैसी बात है पूनम, तो फिर पता कैसे लगाओगी है? पता कैसे लगाओगी उनके और कहीं चल रही है ना चल रही? उन दोनों के बीच में जो कुछ बात होती है वो भज्जी के कमरा में होती है, उसके कमरा में क्या तुम कैमरा लगवा दोगे? और हम तीनों के सामने ना वो ऐसी कुछ बात करेंगे, तो फिर कैसे पता लगाओगी कौन से चल रही है ना कौन से चल रही है उनकी? हाँ यू भी बात सही कह रही है, तो अगर हम तीनों में थे कोई से उनके सामने रहे हो तो ऐसी बात करेंगे ही काई को, ऐसी बात तो अकेले में हो करें। मेरे पास एक आइडिया, मेरे पास, मैं पता लगाऊंगी कौन से चल रही है ना कौन से चल रही है उनकी। तेरे पास का आइडिया? मैं जाऊंगी उनके कमरा में और दुबक दुबक के उनकी बात ना सुनूंगी, क्या बात कर रहे हैं क्या बात ना कर रहे हैं। क्या कह रही है, दोबारा बोलिए क्या कह रही है? तू जाएगी भज्जी के कमरा में, उनकी बात ना सुनने, क्या बात कर रहे हैं क्या बात ना कर रहे और का? अगर भज्जी ये गलती से पता भी चल गई ना, यू कर लो मेरी बात ना सुन रही है यहाँ के, तो तेरे बार पकड़ के ऐसे जमीन में मारेगा फेंक के, कहीं आ रही होता है कि बहकाए में, यू चीज बर्दाश्त ना आवा। सही सही कह रही है सबको। अगर बाई चांस मैं देख भी लगी तो मैं यूं कह दूंगी कि धनुआ पे तो कॉपी लेने आई हूँ, आज मैं स्कूल लगाई ना, यही मारा कॉपी लेने आई हूँ धनुआ पे, तो फिर बात खत्म। तो फिर बात खत्म, इतनी आसानी तो उल्लू बन जाएगा। देख लियो मैं वहाँ के घर जाऊंगी और तुम्हें बता के मानूंगी का का बात करें का बात ना करें, वो मो इतना चूतिया समझ रहा हो, इतना चूतिया समझ रहा हो, हम भी चाल आके, वो चाल आके, तो हम भी चाल आके, हम खा डर रही है तुम। तो फिर तू चाल आके तो जा धनुआ भाई के घर गए हो भज्जी के, हाँ तो फिर वो कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे, जा सुन के का बात कर रहे हैं, यू ही मोको तू को पता लगाने को इनकी कहते चल रही है ना चल रही, जा फिर देर मत करे, हाँ जल्दी जा। ठीक है। शेर के मुँह में हाथ डाल रही है, अब का करो जा, का करो जा, यही हुलहुली मच रही है वहाँ जाने की, वहाँ के घर पे पतो लगाने की, का कर रही हूँ का ना कर रहे, तो हम का कर सके यहाँ में जान दे। अगर ये भज्जी ने पकड़ ली ना तो मुँह लगा यहाँ पे कोनी कोनी बजाएगा, वैसे ही आते फुके बाकी। सही कह रही है तू। धनुआ एक बात बता तुम को, अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए होता तू का करता हुआ पैसा को? ए, हम पे कहते होगा यार 1 करोड़ रुपए, हमारी शकल ही ना 1 करोड़ रुपए की। अरे मैं तो एक सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, मेरी कौन सी शकल 1 करोड़ रुपए की सी है? मुँह पे भी ना 1 करोड़ रुपए, मेरी भी हालत तेरी जैसी है, मुँह पे कौन सा करोड़ रुपए रखो? यू बात गलत कह रहा हूँ, हाँ भज्जी तू यू बात गलत कह रहा हूँ, तेरी मेरी जैसी हालत तो काई जिंदगी में होगी ना, तो पे मैं मान लू करोड़ों रुपए ना, पर तेरे पापन पे तो मुँह लगे अरबों रुपए रखे दी। चल अरबों रुपए ना होगा तो तेरे पापन पे करोड़ों रुपए तो है, या बात मैं मानू करोड़ों रुपए तो है तेरे पापन पे, सब तेरो ही है, तो कोई छोड़ कर जाएंगे बाहर तेरे पापा, और तुम जरूरत भी कहा पैसा कमाने की? तू अपने पापा की इकलौती औलाद है, तेरो ही है सब कुछ, और तुम जरूरत कहा पड़ी पैसा कमाने की है? ओ, देखो तो सही कहाँ तक दिमाग घुमा दियो, है मेरे पापन पे करोड़ों रुपए, मुँह पे तो ना करोड़ों रुपए, मेरे पापन पे तो, अगर मुँह पे इतना रुपए होता ना, हाथ में आईफोन होता, मैं 3-4 महीना से पापन के पीछे पड़ रहूँगा, पापा दिवा दो 1-1.5 लाख वाला आईफोन दिवा दो पापा, हाँ? दिवा दो, अगर मेरे पापा मेरी इतनी सुनते तो मुझे अब तक आईफोन ना दिवा देते, का फायदा इतने पैसे को, है का फायदा, मैं भी तो जैसा
रही हूँ, अगर पापन पे पैसा है मुँह पे तो ना, मुँह पे खर्च तो ना कर रहे मेरे पापा वा पैसा। अगर मुँह पे खर्च करते पापा वा पैसा तब मान तो मैं के हाँ धनवा सही कह रहा हूँ। या बात क्या करो भजी बेटा, चार पहिए की गाड़ी चाहिए, चार पहिए की ले रोल्स रॉयल निकाल दूंगा तेरे लिए, और एप्पल एप्पल का और बता, और कोई महंगा मोबाइल हो तो आवाज दिलाऊं तेरे लिए। तब मान तो मैं के हाँ मेरे पापन पे पैसा है, मुझे भी पता तेरे पास 1 करोड़ रुपया ना है। मैं कह रहा हूँ मान ले तेरे पास 1 करोड़ रुपया है, तू का कर तो वा पैसा को। मैं हाँ तू, अगर भज्जी मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता ना तो मैं वह सगरे पैसा सट्टे में लगा देता। मैं 1 करोड़ को सट्टा लगा देता, और अगर फिर जीत जाता वह सट्टे, अगर फिर मैं जीत जाता तो 1 करोड़ के कम से कम 80-90 करोड़ रुपया है जाते मुँह पे, फिर बन गई जिंदगी। 80-80 करोड़ रुपया होते तो फिर का फिर मैं खेलता ही ना सट्टा। जब 80 करोड़ रुपया होते फिर तो मैं अपने ऐस मौज पूरे करता, ऐसो आराम की जिंदगी जीतो। और अगर हार जाता वा सट्टे, जो तू 1 करोड़ को सट्टो खेल तो अगर बाय चांस तू हार जाता फिर क्या करता? फिर का अपनी गांड मरा तो माधर चोद लगा दे तो 1 करोड़ को सट्टो। एक करोड़ रुपन ने तो कम मान लो 1 करोड़ रुपन ने यो तो है ना के 1 करोड़ रुपया कई अच्छी जगह लगा तो वहाँ पे और पैसा कमा तो सट्टो खेल तो सट्टो नवाब जाते सट्टो खेलते। चल मान ले तेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो तू क्या करता? मैं अगर मुझे 1 करोड़ रुपया होता ना तो मैं सीधा जाता पूनम के घर। तो फिर मैं सीधा वहाँ के पापन के ढिंग जाता और वहाँ के पापन के कहता कि अंकल मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ और मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। और वहाँ के पापा फिर मुझे कहते कि करते क्या। फिर मैं कहता उनसे कि मैं कुछ नहीं करता पर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। फिर उनकी आँख तोड़ जाती, 1 करोड़ रुपया। फिर वो सीधा कह देते कबूल है। कबूल है। फिर वो यूँ कह देते कि हाँ मैं राजी हूँ अपनी बेटी की शादी तुम पे करवाने को, फिर का जरूरत तुम्हें कमाने की, तुम पे इतना पैसा आता। तो फिर आगे तो जब मेरी और पूनम की शादी होती पूनम बा कल्लो जरूर बुलाती अपनी शादी में। हाँ सही कह रहे हो। फिर तो फिर मैं सीधा पूनम से कह देता कि पूनम अगर कल्लो तू बुला रही है ना तो वहाँ तक कह दियो फेरन लवली लगा के आवे मेरी शादी में। अगर वहाँ पे फेरन लवली को पैसा ना होते तो तू बुला तो ना बाकू। पैसा ना होते तो का है वो, हम देते बाकू 5-6 फेरन लवली खूब लगावे अपने मुँह पे, जो गोरी है जावे 2-3 दिन में तब आवे मेरी शादी में। काई को आई हूँ यहाँ पे, वो लगे पूनम और सब ने भेजी हुई हूँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यार धनुआ मेरे कमरा में कल परसों एक कारी कुतिया घुसी आई। फिर का हुआ? तो मुझे लगे कोई चोर घुसी आ दिखे मेरे कमरा में, तो मेरे बगल में एक डंडा धरा। अच्छा फिर? तो फिर मैंने वो चुप चुप जाके डंडा उठाया, जो यू दीवार ना हमारे कोने में दीवार खड़ी का सफेद से। अच्छा यू? हाँ यहाँ के पीछे पे आ रही आवाज। तो फिर मैंने घुमा फिरा के वहाँ में एक ऐसा डंडा दियो भटा। अच्छा तो फिर मैंने जाके देखो तो यार कुतिया लिख रही हूँ। बिल्कुल कारी कुतिया ही कारी, मैंने कल्लो की याद दिला दी मेरे को। मैं सोच रहा काश मैं ऐसा कल्लो में डंडा धर पाता। बहुत प्यार करूँ मैं धनुआ पूनम से, बहुत प्यार करूँ, दिल में बस रही है पूनम मेरे। मैं भी अपनी सब बोते दिल से प्यार करूँ। हाँ दिल से प्यार करूँ मैं भी अपनी सब बोते। भज्जी कल्लो भी तो कहते प्यार करती होगी, वो कौन से प्यार करे? कल्लो की ना पता कौन से प्यार करे, ऊपर ईस में बहुत प्यार करे। हाँ माने आज तक बताई ना कौन से प्यार करे, चुप ईस में चली जा, कौन से प्यार करी आ रहा कोई पता ना चले बात। अब बहन निकलेगी ना निकलेगी यहाँ पे, आ रही है ना आ रही, निकल के डंडा उठाऊंगा लाना ही पड़ता दीखे डंडा। या बुद्धि है चला रही है यहाँ पे, जरूर तुम वो पता कॉपी लेने आई होगी, मैंने आज तक कभी स्कूल को काम करो है तेरे सामने डंडा बाजे मुँह पे रोज स्कूल में स्कूल के काम के ऊपर, और तुम वो तो कॉपी लेने आ जाएगी है। अंकल जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, चोरनी आ गई घर में, चोरनी चोरी करने आई है यू, जल्दी आ जाओ पुलिस बुला दो पुलिस। और का करने आई
बुलवाऊंगा अभी पुलिस। हाँ अच्छिया तो यहाँ चापलूसी करने आई है, चापलूसी करने आई है यहाँ पे। तूने मर सबको गुस्सा खा रहा, तुम मरन पे यही मर मैं दे दिए ने। क्यों और तू आ गई है, तुए तो मजा आवे ना और उनको ब्रेकअप करवाने में मजा आवे, तुए तो खासकर मेरा मोच बहुत गाढ़ फुके तेरी। पर आज बताऊंगा तो आज सही चंगुल में फंसी है, तो पुलिस बुला के मारूंगा आज मैं। चल फिर जल्दी घोड़ी बन जा। क्या कर रही है घोड़ी बन जा चुप। नहीं नहीं बुलाऊंगा अभी पुलिस, गाड़ों का फट्टा बजवा दूंगा आज तेरे, चोरी को अंजाम लगा दूंगा तू पे। तो ये बहुत शौक है ना और उनके कान भरने को, आज आज तेरे कान नहीं भरवा दूंगा मैं, जल्दी जल्दी घोड़ी बन जा चुप। माफ ना कर दे आज तू, घोड़ी बनेगी आज तू यहीं पे। नहीं बुलाऊं पुलिस अभी, क्या गुलदस्ता चुराने आई होगी जो मेज पे रखो का 50,000 का गुलदस्ता आयो। पापन का फेवरेट और गुलदस्ता, अगर पता चल गई ना मैंने कह दी पापा तुम्हारे गुलदस्ता चुरा के ले जा रही तो फिर पापा आग बबूला है के पुलिस बुलाए लेंगे। भलाई यही में घोड़ी बने। चल चल ठीक है फिर, ठीक है चल, माफ करे तुम तो माफ करे तुम, चली जा यहाँ से। हाँ मैं कह रहा हूँ चली जा, अब ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोच ली है, सुनी चली जा यहाँ से। और अगर तेने का ये बताई या कमरा में का बात चली का बात ना चली तो फिर सोच लियो तू, तो फिर सोच लियो, मैं सब बता दूंगा अभी तेने यहाँ का करो का ना करो। ना बताऊंगी ना बताऊंगी, तो जब निकल ले यहाँ से। आइए मोहतरमा यहाँ पे बात न सुनने। ए कर लो कुछ, पता चली तू आगे घर में गई है या ना गई। तो मतलब गई ना तू? ना मैं ना गई। तो चल ठीक है, मैं चल रही हूँ घर पे अपने। ठीक है ठीक है।